मैं सरफराज खां, प्रवक्ता वाणिज्य एसकेवीएम इंटर कॉलेज दिलदारनगर, क्लास कक्षा 12 कॉमर्स के सभी स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन जो है यूट्यूब चैनल में है आपका जो है वेलकम है, आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को केंद्रीय बैंक बताने जा रहा हूं, सेंट्रल बैंकिंग। केंद्रीय बैंक क्या है और इसका काम क्या है? तो केंद्रीय बैंक जो है ये जिसे हम रिजर्व बैंक के नाम से जानते हैं, जिसे रिजर्व बैंक जो हमारा जो है देश का केंद्रीय बैंक होता है। केंद्रीय बैंक जो है ये सर्वोच्च बैंक होता है। किसी भी देश का जो है आर्थिक क्रियाएं जो है, किसी भी देश की जो है कि सरकार की आर्थिक क्रियाएं जो है ये केंद्रीय बैंक के द्वारा संचालित किया जाता है। और इसको जो है हर देश का अलग अलग जो है केंद्रीय बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है। जैसे भारत में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड है, फ्रांस में बैंक ऑफ फ्रांस है, और अमेरिका में जो है फेडरल रिजर्व सिस्टम है। ये केंद्रीय बैंक का नाम है। तो सन 1950 में हिल्टन यंग आयोग ने जो है केंद्रीय बैंक जो है स्टैब्लिश करने का, स्थापित करने का एक सुझाव उन्होंने दिया था सन 1925 में। तो सन 1934 में जो है एक रिजर्व बैंक अधिनियम बना और 1 अप्रैल सन 1935 को देश में जो है रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। ये आगे चल करके इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, 1 जनवरी सन 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ है, यानी सरकार उसको अपने हाथों में ले लिया। राष्ट्रीयकरण का अर्थ यह होता है कि जब किसी बैंक या किसी उद्योग को सरकार अपने हाथों में ले लेती है तो उसको हम नेशनलाइजेशन कहते हैं, उसको राष्ट्रीयकरण कहते हैं। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है रिजर्व बैंक। अब हम आप लोगों को रिजर्व बैंक के काम कार्य बताएंगे, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। पहला है नोट जारी करना, नोट निर्गमन का एक अधिकार। रिजर्व बैंक नोट जारी करती है, 2 रुपए के नोट से लेकर 2000 रुपए तक के नोट रिजर्व बैंक जारी करती है, केंद्रीय बैंक जारी करती है, और उस पर हस्ताक्षर केंद्रीय बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। और 1 रुपए का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है जिस पर वित्त मंत्री के सचिव का हस्ताक्षर होता है। ये पहला काम है कि नोट जारी करना। अब हम आप लोगों को दूसरा काम बताने जा रहे हैं केंद्रीय बैंक का, वो है सरकार का बैंक का एजेंट और सलाहकार। केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ये सरकार का बैंकर है। सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार का जो धन है वो केंद्रीय बैंक के पास जमा होता है, और ये एजेंट का भी काम करती है। सरकार चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो एजेंट के रूप में भी काम करती है, सरकार की ओर से काम करती है केंद्रीय बैंक, और सलाहकार का भी काम करती है केंद्रीय बैंक। जैसे कोई भी व्यापारिक मामला हो या आर्थिक नीतियों के संबंध में हो तो ये सलाह भी देती है सरकार को, केंद्रीय बैंक समय समय पर सलाह भी देती रहती है। ये 2 काम हो गए। तीसरा काम है ये बैंकों का बैंक, रिजर्व बैंक ये बैंकों का बैंक। जितने भी व्यापारिक बैंक हैं उन सभी बैंकों का जो है धन रिजर्व बैंक के पास जमा होता है, और समय समय पर व्यापारिक बैंकों को ये जो है ऋण देती है उनको। ये बैंकों का बैंक है, सभी बैंकों का ये मालिक है, सभी बैंकों का धन जो है अपने पास जमा करती है। ये तीसरा काम है रिजर्व बैंक का या केंद्रीय बैंक का। चौथा जो काम है अंतिम ऋणदाता। रिजर्व बैंक के पास व्यापारिक बैंकों का धन जमा हो रहा है, और जितने भी व्यापारिक बैंक हैं अगर कहीं से उनको ऋण नहीं मिल पाता है तो वो केंद्रीय बैंक उनको ऋण उपलब्ध कराती है।
यह अंतिम, इसलिए इसको अंतिम ऋणदाता कहते हैं। अगला है कि समाशोधन की व्यवस्था, ये पांचवा काम है, कार्य है। बैंकों के पास कई बैंकों के चेक आते रहते हैं, एक बैंक के पास कई बैंक के चेक आते रहते हैं, तो रिजर्व बैंक उनको एक एक स्थान पर भेजती है और आपस में वो चेकों का निपटारा जो है कर लेते हैं, किसको कितना लेना है देना है इसका हिसाब किताब जो है हो जाता है वहां। इस प्रकार ये समाशोधन की व्यवस्था करती है। अगला है कि जो है विदेशी विनिमय की व्यवस्था करती है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करती है, विदेशी भुगतान के लिए विदेशी विनिमय का प्रबंध करती है, ये केंद्रीय बैंक का कार्य है। और सातवां जो अंतिम कार्य है केंद्रीय बैंक का, वो जो है साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल। तो साख नियंत्रण, इसमें जो है केंद्रीय बैंक जो है का ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, सबसे महत्वपूर्ण ये काम है साख नियंत्रण। इसमें जो है व्यापारिक बैंकों के साख नियंत्रण की जो है, व्यापारिक बैंकों के साख को नियंत्रण करती है, इसमें मुद्रा प्रसार मुद्रा संकुचन को नियंत्रण करती है ताकि देश में जो है देश की अर्थव्यवस्था स्थिर रहे। तो ये सात कार्य है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। पहला है मैं आप लोगों को बताया, पहला काम नोट जारी करना। दूसरा हमने आपको बताया सरकार का एजेंट बैंक का सलाहकार। तीसरा हमने बताया बैंकों का बैंक। चौथा बताया हमने अंतिम ऋणदाता। पांचवा हमने आप लोगों को बताया विदेशी विनिमय की व्यवस्था। छठवां है समाशोधन की व्यवस्था और सातवां है साख नियंत्रण। ये सात कार्य हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।